जैसे बॉडी का था है और जो हमने एग्जांपल देखा था एक बल्ब हर फूल के अंदर एक सीड है और सीड में फ्लावर ट्री है और ट्री के अंदर जो बल्ब है तो हम जब भी लाइफ भी जब करेंगे उससे पहले मूल मंत्र वो मूल मंत्र क्या है एक एक तो है कि हमारी अटेंशन पूरी उधर है अपना ध्यान उधर पे होता है और जिनके लिए कर रहे हैं उनको एड्रेस करें उनको होकर उनकी अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए और अपना ध्यान उधर पे तो ये गुरु के लिए गौर के लिए जब हम लोग बोलते हैं पहले मूल मंत्र और मूल मंत्र क्या है भगवान से अभिन्न है भगवान का नाम ही लेते हैं जैसे महामंत्र बोल रहे हैं तो भगवान का नाम है भगवान से अपने हैं तो ये मूल मंत्र भी क्या है भगवान से अपने वो भी कोई रिप्रेजेंट है तो कैसे बोलते हैं अगर हम गुरु के लिए बोले तो और विष्णु तत्व जितने भी हैं उनके लिए युद्ध होगा फिर और विष्णु तत्व है चले चल रहे थे देखते अपने तो किताब का रेफरेंस देके कर लो गड़बड़ कर रहे हैं अगर जो विष्णु तत्व नहीं है तो उनके लिए कैसे यूज करेंगे हम ओम ओम एक जगह है ओम के ओम कर सकते हैं मूल मंत्र हम बना भी सकते हैं हर किसी का मूल मंत्र हम बना सकते हैं जिसका मूल मंत्र हमने रिसाइट करना है उनका नाम और वो संप्रदाय जो हम लोगों ने ये संस्कृत ग्रामर का जो चार्ट देखा था फोर्थ नंबर पे क्या है के लिए जैसे कृष्णाय रामाय तो इसके जिसका भी हमें मूल मंत्र तैयार करना है हम लोग खुद कर सकते तो कुछ भी किसी का आप लेना है चाहे चल गया अगर बुक्स अकाउंट के लिए किसी भी दोस्त का नाम उनके लिए करना है तो क्या करेंगे अगर ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं आप किसी के लिए विशाखा के लिए एक तरीका क्या है कि उनका नाम ओम से बुलाए नाम और एक ये है कि जो भी नाम हो उसका फर्स्ट लेटर जैसे विशाखा का वो ले लिया श्रीम वाम विशाखा है नाम नहीं तो विशाखा कंबाइन अगर करेंगे तो श्रीम श्रीम लम ललिता विशाखा ललिता विशाखा ललिता विशाखा ललिता विशाखा नहीं श्रीम ललिता विशाखा श्रीम राधा राधिका है तो ये फोर्थ जो ये पीछे टेबल दिया हुआ है संस्कृत ग्रामर का तो मुझे इंट्रोड्यूस किया था उसका फोर्थ जो है संप्रदाय संप्रदाय या उसके लिए जो है रामायण 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 श्री पल्लव क्योंकि वैसे भी हम लक्ष्मी नरसिंह भगवान तो जब लक्ष्मी को पहले कर रहे हैं तो श्रीम कर रहे हैं तो ये स्लाइड शो तैयार है हम किसी भी मंत्र को मतलब गायत्री करने से पहले हम मूल मंत्र करेंगे बोला है और वो एक मूल क्या है तो सीट से पहले अंकुरित होगा तो रूप लेंगे
मदर फेस विद फाइव इफ यू गेट टू नो द सुदेवी जी का देर है तो बहुत ही डिफरेंट है जो आपने सूत्रा टेक्निक बताया उसके हिसाब से सुदेवी में क्या हुआ व्हाट हैपेंड टू सुदेवी Shyam Shyam Sudevya, yeah. These are like, that's what I... यही बात कर रहे थे कि पंचरत्न मंत्र के यही फायदे हैं कि आप दोनों चीजें अगर जैसे यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं ललिता का देखिए जैसे अगर यहाँ पर है ना श्रीम लम ललिता नम अगर आप श्रीम लम जो है ल हटा देते हैं लम श्रीम ललिता नम इट्स ऑल्सो गुड एनफ सो दैट्स द आइडिया सो ये डिफरेंट यूसेजेस दिखाए हैं कि अगर ये कैसे हो रहा है ये माइक है क्या ये तो रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डर है हाँ ये सब नेक्स्ट यस ऐसा ही है मिल गई ले ली तो करते हैं शाबाश आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ ना अभी क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर हुआ था क्वेश्चन था कि गायत्री को इस फॉर्म में कैसे लिया जाता है क्या रवैया क्या है कैसा रवैया है भगवान हमारे जो अभिषेक वगैरह होता है तो उसमें भी आ जाता है तो थोड़ा ओवरऑल क्या है कि सिर्फ हम अपना ही सोचते हम सीनियर हो गए हमें सेवा मिल जाए हमें बेनिफिट हमारा स्टेटस सिंबल ठीक है अलग अलग होगा पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स होगा हम अपना देख रहे हैं हमें ये पता कि इससे भगवान के लिए क्या साफ करेंगे या कुछ करेंगे तो आप इसे करेक्ट कैसे इसे हम थोड़ी सी अवेयरनेस आए सभी इस्कॉन के लोगों से फर्स्ट जो है इस्कॉन के अंदर इसकी अवेयरनेस है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सीनियर्स को बोलिए उसके डिटेल्स हमने पहले तो जैसे हम डाइट नहीं ये जस्ट हमको डिटेल ही बताएंगे तो
तो मे भी चेंज हो सकता है। इस प्रकार की कोर्सेज हो रहे हैं सारे मिसकंसेप्शन क्लियर हो, इस टाइप के कोर्सेज हो और इसके लिए कोर्सेज होने चाहिए। और हम लोग नोटिस नहीं करते शास्त्रों में, चतरे चर्चा में, छह लोग ग्रंथ संहिता में कितनी बार ये चीज आया और हम लोग रीड अप करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको ज्यादा फोकस करके वो पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ जी, हम लोग का वैल्यू बिकॉज हमको वैल्यू बताया नहीं गया है, बता करने की कोशिश करी था कि सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो हाँ होता है कर लो बस, तो उसके लिए नॉलेज मिलनी चाहिए कि इसका हम लोग मिसयूज ना कर सके। हाँ जी, अगर कैसे दिखता है कि अच्छा पॉइंट बोला था, रिस्पेक्टफुली क्या है कि हमें सबसे पहले अपना आचरण, अपना बिहेवियर ऐसा करना चाहिए कि बाहर जाकर हम प्रीच कर सकें। अगर हम अपने बिहेवियर से, अपने वेशभूषा, अपने हर चीज, अपने आचरण से सिखाएंगे तो सामने वाले पे इफेक्ट होगा और वो सुनने को तैयार होगा। तो इसके लिए हमें पहले खुद प्रिपेयर होना है और फिर बाहर जाकर, बाहर जैसे गायत्री मंत्र है हर जगह चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, तो उसका कैसे मिस यूज हो रहा है, उसे हम बहुत अच्छे से उसे प्रेजेंट करके उन्हें बोलेंगे कि वो उसे समझ सके, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि उनसे भी अपराध ना हो जो वो अनजाने में कर रहा है। और नेक्स्ट डेमोंस्ट्रेट इट्स रेलेवेंस टू पर्सनल हैं, इसमें आप कैसा करेंगे अपना पर्सनल सोशल मॉरल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। टीचिंग के लिए आप ये मद्रास गायत्री मद्रास को नहीं बताएंगे, वहाँ पे तो सिर्फ महामंत्र जो एक्सेप्शनल जो डिस्क्लोज करने के लिए बोला है और कोई ये सी पॉइंट से रिलेटेड जी।
बिल्कुल सही बताया मैं ये कि हम लोग जब खुद कर रहे हैं गायत्री बन रहे हैं एक लेवल हो रहे हैं तो उसमें और सीरियस हो रहे अपना सेल्फ एप्लीकेशन भी करते हैं और औरों को भी बताना है अपने आचरण में भी लाना है तो ये एक मेडिटेशन का पार्ट है तो वो सिर्फ एक दिखावे के लिए नहीं कि आंखें बंद करके आप इससे भी पोजिशन में बैठे हैं तो एक्चुअली वो हमारा एक कनेक्शन का टाइम है भगवान से तो उस समय कनेक्ट होना है ना कोशिश करनी धीरे धीरे हम उसे ही करेंगे तो वो सिर्फ एक पोस्टर टाइम के लिए कि हाँ समाधि में बैठे हैं दो स्पेसिफिक चीजें आचरण टाइम हम लोग जो आप निग्रह को देखते हुए भी मेडिटेट कर सकते हैं लेकिन बेस्ट प्लेस तो यही है कि बेबीज के सामने बैठा जाए और लेकिन फिर भी घर में भी यही होगा कि बेबीज को देखा अरे कल ना मैं ऐसे करूँगी आज मैंने ऐसे ड्रेसिंग की है कल ये आएगा ना तो फिर जहाँ पे एक पॉइंट शुरू हो जाता है ना डिस्ट्रैक्शन तो पूरी नई सीरीज बन जाती है पता चलता है कि तो बैटरी खत्म हो गई वो पूरी एक चेन होती है एक से दूसरा पॉइंट कनेक्टेड होता जाता है और फिर बैक में आएंगे कहाँ से शुरू हुए थे शुरू तो हुए थे कि भगवान की ड्रेसिंग से और करते करते अपनी ड्रेसिंग से भी पहुंच जाएंगे तो बेस्ट ये है कि आईज क्लोज करें मतलब ये आई मतलब आंखें खोल कर जो करते हैं ये मुझे लगता है कि जो काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते कम हो गए हैं अपनी मेडिटेशन में वो कर सकते ये मतलब बिल्वा मंगल ठाकुर का देखा था कि ये जो नेत्र है ना ये जो कुछ भी भगवान को देखते हैं अभी हमारे में वो फीलिंग्स नहीं है भगवान को देखते हैं हम लोग इसके दो पहलू हैं इसमें दो पहलू हैं ऐसे जो जैसे बार बार वो इशारे में बात हो रही है आचार 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 स्पेसिफिकली कोई आचार बता सकते हैं जो इस पे लागू होता है जिससे आप गायत्री पता चले कि गायत्री का असर हो रहा है उसके ऊपर ब्राह्मण के लिए वेरी गुड राइट ऑन टाइम या इसी राइट ऑन टाइम दैट्स वन थिंग लाइक डेमोंस्ट्रेट सी सोशल मॉरल अपने डेवलपमेंट के लिए सोशल या मॉरल डेवलपमेंट जो है इसमें ये देखा जाएगा लोग आपका कुछ नहीं देखेंगे ये देखेंगे और क्या चीज़ हो सकती है राइट ऑन टारगेट क्लीनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी यही जो है ब्राह्मण के वो दो गुण हैं जो वो सामाजिक तौर पर भी जो है मौलिक तौर पर भी वो सिखा सकता है सीख सकता है और उसके आध्यात्मिक जीवन में जो है इसका जो पूरा रोल जो है यही पूरा डेटी वर्शिप है जो टेंपल वर्शिप जो हमें दिया जो हम कल बात करते हैं उसका भी यही टारगेट है लिहाजा गायत्री का भी यही टारगेट होगा मतलब जब हम ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं अल्टीमेटली आप बोलेंगे गायत्री का टारगेट क्या आपको भगवत धाम तक पहुंचाना मगर उस छलांग से पहले आप कौन जाएगा भगवत धाम उसके लक्षण जो है वहाँ दिख जाएंगे जो क्या कहते हैं यहाँ टाइम पे नहीं आ सकता तो भगवत धाम क्या जाएगा उसका जब जब टाइम आएगा भगवान बोलेंगे अच्छा भी रुको तुम जैसे तुम दूसरों को जो है ठीक है सो द बेसिक आइडिया इज सो अब वैसे ही देखिए अब आप इसको देखिए ना इसका जो पर्सनल बैठ जाओ ये पर्सनल जो
बात यहाँ पर हो रही है कि डेमोन्स्ट्रेट करना। अच्छा, इस्कॉन का इम्प्रेशन इस मामले में कि मंदिर टाइम से खुल जाता है, सेवाएं टाइम से होती है, कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा है ना। सारी दुनिया को पता है टाइम से खुल जाते हैं, ये है टाइम से बंद कर देंगे, ठीक है ना। अब मतलब गूगल में डाल दे तो आ जाता है सीधा सीधा, भाई इस टाइम पे खुलेगा, इस टाइम पे बंद हो जाएगा, जो मर्जी कर लो। इवन गूगल बोल देता है कोई फायदा नहीं है जाने का, ये मंदिर बंद मिलेगा, लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, मगर आप कोई इस्कॉन का कोई प्रोग्राम हो तो उसका इंप्रेशन कैसा है? हाँ, 8 का मतलब 9, 9 का मतलब 10, 10 का मतलब यही, ठीक है ना। हाँ, नहीं मंदिर का छोड़ हटा दो आप, टेम्पल फेस्ट इसको हटा दो आप, और उसके बाद जो है कोई नगर संकीर्तन है, कोई रथ यात्रा है। नहीं नहीं राम, मैं कोई इस्कॉन के प्रोग्राम्स है ना आपके, वो प्रोग्राम्स जो जिसके जो जो डिवोटीज पे निर्भर करते हैं, वो कैसे होते हैं? लेट शुरू होता है या लेट खत्म भी होता है, ठीक है ना। हरी इच्छा से शुरू होता है, हरी इच्छा से खत्म होता है, इससे क्या पता चलता है? और वो शुरू करने वाले ज्यादातर प्रोग्राम तो करने वाले सीनियर भक्त होते हैं, लेक्चर देने वाले भक्त बड़े सीनियर होते हैं। हकीकत है ना, कोई घर के अंदर बात करे, कोई बाहर तो नहीं बात करे, घर की बात कर रहे, ठीक है। और कोई 1 घंटा लेट, कोई 2 घंटा लेट, और कुछ है जी कहाँ फंस गए जी। जी जी हाँ, तो बात ये है कि वो उसका आप जनरल पब्लिक को ट्रेन कर रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट कि आपका वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। मिसाल जैसे बहुत छोटी सी, तो आप किसको पनिश जी? हमें नहीं पता कि क्या प्रोग्राम्स क्या बात कर, बट हाँ जो तो ये एक कौन शुरुआत कौन लीड कौन ले रहा है किसी भी प्रोग्राम का को जो है, या कोई भी जब आप इस्कॉन को वही ना डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो रही है, आपके मॉरल्स की बात हो रही है, आपके मूल्यों की बात हो रही है। ये नहीं कि जो बाहर सामने से आप जिसने जिसको आपने बुलाया उसके मूल्य की बात हो रही है, आपके मूल्य की बात हो रही है। सो एंड दैट वो कहाँ से आते हैं, दैट इज द एक एंगल है पंक्चुअलिटी। आप दूसरे पे आ जाते हैं, इस्कॉन के मंदिर जनरली साफ सुथरे मिलते हैं लोगों को, जनरली लोग कैसे है ना तारीफ होती है कि जी साफ सुथरे मंदिर होते हैं इस्कॉन में, आओ जाओ, ठीक है। इस्कॉन के प्रोग्राम्स कैसे होते हैं? हाँ, वेल मैनेज, सफाई साफ सफाई कैसी होती है? जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तब कैसा होता है, ठीक है। जन्माष्टमी होती है, उसके बाद मंदिर का कैसा हाल होता है? हाँ, अभिषेक हो रहा हो तब क्या हो रहा होता है ऑल्टर के अंदर, ठीक है। सो दीज आर द डेमोन्स्ट्रेबल वैल्यूज, दीज आर द डेमोन्स्ट्रेबल वैल्यूज ऑफ द ब्राह्मण। अब सो ये और ये इसी से पता चलता है इस आदमी को, जो आदमी जो है क्या कहते हैं दो क्या कहते हैं 8x10 मीटर का जो वो है फुट का जो ऑल्टर है उसे साफ नहीं रख सकता, एक प्रोग्राम दो तो उसे साफ नहीं रख सकता, उसे टाइम पे नहीं पहुंच सकता, टाइम पे शुरू नहीं कर सकता, टाइम पे ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे आप थोड़ा सोच के बताइए कि उसको भगवान ले जाएंगे कि क्या करेंगे उसको, वहाँ का डिसिप्लिन खराब कर देगा सारा। इसमें
पूरा मंत्र खुद माइंड अप करके फिर लिख लेना, इसमें बोले नहीं हमें सब लिखे हुए, बोले नहीं Yes. Yes. So, बड़ा अच्छा आपने ऑलवेज पर्सनली सच बात है, मैंने आंखों से देखा हुआ है ये अच्छा ये पेन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये काम नहीं करते वो बोर्ड के लिए ये पल्ले मांग लीजिए दिखाई दे रहे पीछे तक A brahmana leaves a place cleaner than what he found. ब्राह्मण जब निकलता है तो वो उससे ज्यादा उस जगह को साफ करके निकलता है जिसके बनस्बत जिसके जो है जब वो आया था ठीक है. These are the basic moralities जो demonstrable characters है, personal character है आपका ठीक है. Say for example, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो मान लीजिए यहाँ पर धूल पड़ी हुई है. अब मैं क्या कर सकता हूँ ठीक हो गया. अब हुआ क्या, इन एसेंस क्या हुआ यस ये भी गंदा हुआ ठीक है. अब मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ तो धूल छुपाया हुआ, धूल नहीं छुपाया हुआ, धूल गंदगी साफ करे बगैर वो गंदा ही रहता है. और दूसरी गंदगी की डेफिनेशन ही यही है, गंदगी की तासीर ही यही है कि वो गंदा किसी भी और चीज़ को गंदा कर सकता है, इसलिए उसको गंदगी कहा जाता है. उसका एक ही इलाज होता है साफ करना बस. आप गंदगी को जिस चीज़ से छुपाएंगे वो चीज़ गंदी होगी. आप सिर्फ एक गंदगी का सिर्फ एक ही इलाज कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ साफ कर सकते हैं. तो वही तो इससे कैसे आप कैसे बर्दाश्त कर, इसके कई एग्जांपल्स है. प्रॉपर ने ब्राह्मण खासतौर पर सेकंड इनिशिएशन के को मद्देनजर जो है प्रॉपर का एक प्रवचन भी है. वो प्रवचन हालांकि प्रहलाद महाराज पे था मायापुर में, मगर वो प्रवचन प्रॉपर दे नहीं सके प्रहलाद महाराज पे. पहला लाइन बोलने के बाद ही जो है प्रॉपर शुरू हो गए, इतना गंदगी देखी जहाँ पे. तो बोला कि तुम लोगों को गायत्री धागा मिल रहा है, ब्राह्मण बन रहे हो, इतना गंदगी कैसे, और कोई रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम वैसे ही. सो दीज आर द ये हमारे डेवलपमेंट के लिए, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है. ये एग्जांपल जो है ये जनरल मास के लिए नहीं है, ये हमारे लिए जनरल मास के लिए जनरल चीज जो जैसे बात होती है कि जनरली गायत्री क्या है, क्या होता है, वो कर रहे होते हैं 50 चीज़ें कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उसको बताते हैं कि भी काम क्यों नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं करेगा जब तक जो है आप इसके पीछे के डोंट्स फॉलो नहीं करेंगे, डूज फॉलो नहीं करेंगे. तो ये मास के लिए, मगर ये अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्या वजह है जो अब मैं अगर आपको बोलूँ क्या वजह है कि पुराने लाइक सफ़ेद बाल वाले डिवोटीज गायत्री धागा डाले वाले और सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज मंदिरों में चोरियां, गबन, हेरा फेरी और क्या कहते हैं मार पिटाई करते मिलते हैं. कोई वजह तो है ना, क्या वो गायत्री मंत्र मिलने की वजह से करते का मतलब है उन पर गायत्री का कोई असर, बिकॉज आप गायत्री काम तक उसको काम करने देंगे तो वो काम करेगा
ठीक है, तो कितने कितने साल जो है क्या कहते हैं 84 क्रॉस परिक्रमा करने वाले वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी जाने वाले डिवोटीज अनबिकमिंग ऑफ ए डिवोटी हरकतें करते हुए मिलते, गायत्री ब्राह्मण तो छोड़े। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें, गायत्री दीक्षा के लिए झूठ बोलना ये तब चलो, वो तो उसके पास गायत्री है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि गायत्री जिसके पास है वो ऐसे लोगों को कई बार दीक्षा दिलाने के लिए लेके आते जो उस लायक नहीं है। क्यों? इसका मतलब उसका उसका मॉरल स्टैंड जो है वो, चूंकि कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा अंदर जो है, कोई कल्टीवेशन को क्या कहते हैं जो हमारा, हाँ सिंचन नहीं हो रहा। That's why it is how to create effective. तभी वो effective होगा, नहीं तो वो effect नहीं करेगा गायत्री। सही, that's the छोटी सी बात। Next, हाँ ये उसका ये enthusiasm। ये इसका या आखिरी में जब हमारा लास्ट सेशन है एक्वायरिंग ब्रह्मनिकल क्वालिफिकेशंस उसमें बातचीत होगी। अदरवाइज ये जब भी अर्चना का जो है ये फाउंडेशन है, जैसे कि हरिनाम के लिए 3 क्वालिटीज बड़ी फेवरेबल बताई गई हैं कि ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस एंड ग्लोरीफाइंग अदर्स, ये 3 चीजें है ना। तो हरिनाम के लिए विनम्रता, सहिष्णुता और गुणगान दूसरों का, है ना, ये 3 चीजें, मान देना दूसरों को, मान अदा, ठीक है। तो ये 3 जैसे हरिनाम के जप के लिए जो है बड़ी मतलब क्या कहते हैं साजगार है, तो उसी तरीके से गायत्री अर्चना पूरा जो सिस्टम है उसके लिए वक्त की पाबंदी और साफ सफाई, ये 2 चीजें इस वैल्यू ये इसके साथ बड़ी अच्छी ये मदद करती है। कोई वक्त की पाबंदी, मतलब बात आपके आने से पहले काफी देर से बातें चलती रही, दैट थिंग इज हाँ नहीं, दैट्स वी वर डिस्कसिंग दैट। जी आगे चल जी, ओके जी, कमिंग टू दैट्स द नेक्स्ट स्लाइड। प्रचोदयात वही जो, अरे यार क्या मुसीबत है, कहाँ है वो लाल वाला, काटता रह रहे स्पिरिट ऑफ लाइफ सॉल्यूशन है ना। ठीक है, हाँ ये पता नहीं है क्यों आ रहा है बीच में, ओके। सो जैसे आप प्रचोदया, ठीक है ना, सो ये मंत्र जो है 3 मंत्रों में, 3 नहीं 4 में, जो ब्रह्म गायत्री है, गुरु गायत्री है, गौर गायत्री और काम गायत्री, तो ऑल ऑफ देम उसका जो अगर आप शब्दार्थ तो नहीं अनुवाद, अब अनुवाद देखेंगे तो आप अनुवाद में आप देखेंगे कि ये बेस्ड है आपको जो साधक है उसको भगवान की सेवा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है ना, प्रचोदया जो है वो प्रोत्साहित करने के लिए भगवान के तरफ जो है आप जाएं, आप गुरु के तरफ जाएं, आप कृष्ण की तरफ जाएं। सो दैट द होल आइडिया ऑफ एंथुजियाज्म जो प्रोत्साहन के लिए, तो ये यहाँ पर जैसे प्रभुपाद यहाँ पर चैतन्य चेतामृत में भी जो है कब को उद्धृत करते हुए
ये बता रहे हैं, हम इस स्पिरिट है गायत्री की, गायत्री की जो स्पिरिट है, गायत्री का जो तो वो जो जज्बा है वो यहाँ पर जो है, आप कोई किसी के पास माइक्रोफोन तो पढ़, माइक दोनों तरफ दिए हुए थे, आप पढ़ो। हाँ, ये ऑफ है क्या है, कोई माइक चलता कभी कोई माइक चलता, दैट्स व्हाई आई हेट दीस थिंग्स, जस्ट गो ऑन रीडिंग, इरिटेटिंग, क्यों ये रखा होता है जब चलता नहीं है, स्पेस भी घेरता है, टाइम भी खराब करता है, हटाओ कल से रखना नहीं है इनको बिल्कुल यहाँ से, इरिटेशन है। The devotees find the correct means by which everything can be utilized in the service of the Lord. Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchchate. The execution of devotional service is not a matter of ideal meditation, but is practical action in foreground of spiritual life. तो ये वाला जो हिस्सा है कि ideal meditation नहीं है, बाकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो पिछला वाला स्लाइड पे हम बात कर रहे थे, आइडल मेडिटेशन के बारे में जब माता जी ने शुरू किया था, कैसे पता चला, आंख बंद करके बैठा रहता है उसका क्या फायदा, उस मेरे आंख बंद करके बैठे रहने का समाज को क्या फायदा है, इसका उनको क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा है, यही था ना पिछला डिस्कशन, तो इसीलिए, बट इट इज अ प्रैक्टिकल एक्शन इन द फोरग्राउंड स्पिरिचुअल लाइफ। मगर ये जो है जो आप देखते हैं, जो बुनियादी जो रवैया जो आपका होगा वो आपके आध्यात्मिक जीवन के पृष्ठभूमि में सामने सामने दिखाई देगा, बैकग्राउंड में नहीं है, फोरग्राउंड लिखा है, बैकग्राउंड में नहीं है, फोर बैकग्राउंड में मेरी मेडिटेशन है, फोरग्राउंड में जो है मेरी प्रैक्टिकल एक्शन है, वो जो हम तीन चीज बात कर रहे थे, इसीलिए वो डिस्कशन जरूरी था। जी आगे पढ़िए। One should accept this opportunity to turn home back to Godhead very enthusiastically. Without enthusiasm, one cannot be successful. Even in the material world, one has to be very enthusiastic in his particular field of activity in order to become successful. A student, businessman, artist, or anyone else who wants success in his life must be enthusiastic. Similarly, one has to be very enthusiastic in devotional service. Enthusiasm means action, but action for whom? तो ये कृष्णार्थ अखिल चेष्टा जो है, ये जो कि जैसे भक्तों के 26 गुणों में से जो है जो सेंट्रल गुण होता है वो भी यही है कि क्या कहते हैं, कृष्ण के लिए कृष्णाई का शरणम, यानी कृष्ण के लिए सारी चेष्टा करना, और ये चेष्टा करने के लिए जो है आपको हमेशा उत्साह चाहिए, तो इसीलिए गायत्री मंत्र जो है इसलिए प्रोत्साहन देने के लिए है, गायत्री का जो वो है जो मूड है गायत्री का, तो वो प्रोत्साहन देने के लिए, तभी एंथ्यूज्ड, लेट यू बी एंथ्यूज्ड, गुरु इज एंथ्यूज्ड, गुरु भगवान की सेवा करने के लिए एंथ्यूज हो रहे हैं, आप मुझे जो है भगवान की सेवा करने के लिए एंथ्यूज करें, उत्साह जो कि ठीक है ना, सो ये वो रवैया है बेसिकली, जो हम पिछला वाला भी क्वेश्चन था वो भी रवैया पे बेस्ड था, तो इसीलिए साधक का जो रवैया है वो इस तरीके का होगा, उत्साहवर्धक होगा, तो उसका असर इस तरीके से होगा कि आप उसको जो है समाज में भी दे सकते हैं, व्यक्तिगत जिंदगी में दे सकते हैं, और इस्कॉन के अंदर भी जो है गायत्री के भक्तों का कुछ योगदान होगा, तो मैं जो इस्कॉन, अगर बात यह है कि अगर इस्कॉन भक्त अपने भक्तों को गायत्री प्रदान करता है तो इसमें इस्कॉन का क्या फायदा है, इस्कॉन को क्या हम पलट के क्या दे रहे हैं, दैट इज द आइडिया। ठीक है, इस वजह से हमने ये डिस्कशन पहले किया, जो कि प्रभुपाद के ये नेटवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन 3 का तात्पर्य है, आप पढ़ सकते हैं, उत्साह वाला जो हिस्सा है वहां से ये आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं, क्योंकि गलत फहमी यही होती है कि क्योंकि गायत्री छुप छुपा के होती है तो इसका जो भी है सारा कुछ मेरे से रिलेटेड है, यानी कि फिर ऐसे पॉकेट्स बनने लग जाएंगे, ये रवैया बहुत खतरनाक है, दरअसल ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ से फिर मैं मेरा शुरू हो जाएगा कि ये वाला हिस्सा जो है ये मेरा अपना है, इसका इस्कॉन से कोई इसमें इस्कॉन का कोई अमल दखल नहीं है, या इसका प्रचार से कोई लेना देना नहीं है,
आप समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे आज एक चीज निकल के आएगी, कल दूसरी चीज निकल के आएगी, फिर ऐसे निकल के ये आप डिस्कशन के टाइम में हमने आप माता जी पिछले वाला स्लाइड खोल देंगे तो क्लियर हो जाएगा इमीडिएटली। हाँ ये एक्चुअली हमने तीन चीजें डिस्कस करी थी सोर्स की वजह से, जनरल मास ऑफ पीपल विद इन इस्कॉन इन पर्टिकुलर, तो गायत्री का फायदा क्या है, इसमें इस्कॉन में क्या फायदा है, आम आदमी को हमसे क्या फायदा है, हमें ऐसा कोई मंत्र दे दिया जिससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं, तो हमारा प्रचार का मूवमेंट है तो लाइक कि लोगों को हम किस तरीके से जो है गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम गायत्री करने वाले बहुत कम संख्या में बाहर जो लोग हैं जो इस चीज को कर रहे हैं अपने तरीके से कर रहे हैं, तौर तरीके से कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा जब तक आप उनको उसके डूज एंड डोंट्स नहीं बताएंगे, जब तक आप उनकी शर्तों पर नहीं लाएंगे, जब तक आप उनको ऐसा प्रचार नहीं करते कि अगर आप गायत्री का फल चाहते हैं तो आपको अपने आप को यहाँ तक उठाना पड़ेगा। तो ये हमारा काम है, ये हमारा दायित्व है उनके पास जिनके पास गायत्री है, और वो तब कर पाएगा जब उसका अपना कोई एक्सपीरियंस है इसमें, उसकी अपनी कोई मोरालिटी है, वो खुद गंदगी पसंद है, वो कभी वक्त की पाबंदी से उसको कोई लेना देना नहीं है, कौन सुनेगा उसकी बात और क्या तजुर्बा होगा लोगों का, और वो इस्कॉन का क्या हाल होगा। तभी जब हम वही बात कर रहे थे कि इस्कॉन का कोई प्रोग्राम हो मंदिर का तो घड़ी की सुई नहीं हिलती है, और मंदिर का प्रोग्राम ना हो और वो यानी कि डीटीज से हटा के उसका दारोमदार भक्तों पे डाल दो मजा ले कोई काम टाइम पे हो जाए। इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है वो तो भगवान है पर भगवान के सारे भक्त जो है नन ऑफ देम आर ब्राह्मण्स, आर ऑल शूद्रस, कभी ना उनको और कोई प्रोग्राम खत्म हो उसके बाद गंदगी देखो आप उस जगह की, इससे पता चलता है क्या है। And that's why we were discussing this. See, this is the principle of the Brahman. और ये अगर ना ये बात सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाती तो शायद चलो बर्दाश्त काबिल बर्दाश्त था, और फिर हमने यही बात करी इसीलिए कि तभी वही ब्राह्मण भक्त होते हैं जो हमें इस कान में चोरियां करते हुए मिलते हैं, ठीक है ना, लोगों को बेवकूफ बनाते हुए मिलते हैं, फ्रॉड करते हुए तरह तरह के मिलते हैं, जो इस कान में मतलब आप देखे हैं कि बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं वारदातें होती है वो करने वाले ब्राह्मण दीक्षित बाय डिफॉल्ट होता है, वो बड़े बड़े चाइल्ड अब्यूजर, ठीक है ना, इस कौन का बेड़ा सत्यानाश करने वाले, इस कौन को तीन तीन चार चार पांच पांच हिस्सों में तोड़ने वाले, हम पैदा नहीं होते उस वक्त, ये वही रहे हैं जो पहले लीडर्स रहे हैं, और सब लीडर के गले में धागा टंगा हुआ होता है। इसकी वजह क्या है, उसकी कथनी कोई और है, करनी कोई और है, तो दैट पर्सन शुड नॉट बी गिवन दैट ब्राह्मण थ्रेड, जो कि प्रभुपाद इसलिए एक जो प्रवचन की मैं बात करता मायापुर में, तो प्रभुपाद ने बोला ये गंदगी देख के जो है तुम्हें तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है यू आर नॉट, आपको नहीं देना चाहिए था। जी यही इसके अलावा जो हम कह रहे हैं कि और समझ आ रहा है कि उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी ऑब्वियसली। हाँ देखिए क्या, देखिए जुर्म जो है वो इंसानी समाज का हिस्सा है, इसको आप इंसानी समाज से हटा नहीं सकते बिल्कुल। जुर्म कैसे है, जैसे इंसानी शरीर में जो है जैसे मल द्वार होता है, हटा नहीं सकते आप उसको, मगर आप उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। तो उसी तरीके से जब आप समाज सामाजिक गठन होता है तो जराइम जो जुर्म पेशा जो लोग होते हैं उनके लिए वो इन चीजों में नहीं दिखाई देते, मगर और इसका नतीजा भी होता है। हमें क्या इस्कॉन के भक्तों को अक्सर जेलों में पागलखानों में और ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में क्यों बुलाया जाता है, इसी उम्मीद पे बुलाया जाता है कि ये एक साफ पाक एक जिंदगी ये लोग गुजर बसर करते हैं तो शायद ये अपना कुछ असर हम पे डाल सके।
अब उन्हें कौन बताए, हमारे हमारे यहाँ बड़े बड़े 30 बार खां पहले से बैठे हुए। क्योंकि बात वो नहीं है कि ऐसे देखिए, जो लोग आ रहे हैं वो इसी समाज से आ रहे हैं, हमारे इस कौन के भक्त आसमान से तो नहीं टपकते, ठीक है ना, तो कोई देवी देवता नहीं टपक रहा आसमान से, वो तो यहीं से आ रहे हैं। मगर यहाँ पर आने के बाद ये जो इफेक्टिवनेस की जो पिछले वाले उसमें बात हो रही थी वो क्यों नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, इन चीजों पे ध्यान नहीं है और एंथुजियाज्म नहीं है। तो ये सारी चीजें जहां पे कम होगी तो मंत्र क्या करेगा, तो चाहे आप गायत्री मंत्र हरे कृष्ण मंत्र, आप वैसे तो आप शुरू में जो है जब हम ये बात शुरू हुई थी देवन में डिबेट यहां से शुरू हुई थी कि गायत्री की जरूरत क्या है अगर हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। और कई लोगों को शायद जाकी तौर पर बुरा भी लग रहा था कि नहीं गायत्री, ऐसा लग रहा है शायद कि गायत्री जो है हरे कृष्ण महामंत्र को चैलेंज कर रही है। अरे भाई आप जरा वो वाली बात करते हैं और ये वाली बात करते हैं, जो गायत्री शुदा जो डिवोटीज है जो माला भी करते हैं और गायत्री भी करते हैं और जिनके मैंने आपको अभी करतूते बताई हैं, अब मुझे जरा बताना उन पे हरे कृष्ण महामंत्र कितना काम करता है, गायत्री कितना काम करते है, जरा अब जवाब दें इसका, ठीक है ना। मंत्र क्या करेगा उसके अंदर जब आप जो है आप तुले हुए हैं, तो इसीलिए हम ये इस इन वैल्यूज की बात करें कि भाई आपकी एक जिम्मेदारी है, समाज के प्रति भी है, इस कौन के प्रति भी है, खुद के प्रति भी है। आप एक गायत्री धागा डालने के बाद गैर जिम्मेदारी से नहीं चल सकते, चल सकते थे अगर आप फिर आप जंगल चले जाएं, ठीक है ना। आप इतने परेशान हैं, अगर आपको लगता है इस कौन में जो है मेरा जीना हराम हुआ हुआ है, समाज मुझे जीने नहीं देती है और ऐसा है, तो आप जंगल चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो लोग आपसे भी तंग है, आप भी लोग से तंग, आप जाओ। मगर आप अगर आप एक क्या कहते हैं भक्तों के समाज में रहने की बात कर रहे हैं और भक्तों के समाज के सारे फायदे आपको चाहिए, तो इस हाथ अगर है तो फिर इस हाथ आपकी जिम्मेदारी ये भी है, तो उसकी बात हो रही है। जिसके पास धागा आ रहा है, गायत्री है, सेकंड जनरेशन मंत्र का मतलब है ही इज लाइक लीडर। ब्राह्मण क्या माना जाता है सोसाइटी में, नेचुरल लीडर माना जाता है, तो लीडरी का शौक तो बहुत है, ठीक है ना। सो ये ठीक है, हम आगे चले जी। बात ऐसा तो नहीं होता कि जैसे इसीलिए एंथुसियाज्म बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बार बार नाकामयाबी आपके लगेगी तो आपका उत्साह नीचे जाएगा, इसीलिए इसी से हमने की, क्योंकि यही स्पिरिट है गायत्री की, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। इस स्पिरिट को आपको बरकरार रखना पड़ेगा, नहीं तो 4 दिन बाद जो है गायत्री भी फोर्स, कितने इस्कॉन में एक बहुत बड़ी तादाद है जो लोग गायत्री नहीं करते, जिनके पास गायत्री है। मेरा मकसद आप लोगों को यहाँ पर जो है ना मतलब या आप लोगों का हौसला पस्त करना नहीं है, मगर हकीकत पसंदी जरूर रखें, जो हकीकत है कुछ गड़बड़, हाँ तो है ये चीज है, सारी कुछ है, तो इसीलिए इस पे टिके रहना, ये यही साधना है। एक पहले नारायणी माँ जी, फिर माँ जी जी। अपनी सेवा को या सेवा के स्पिरिट को मेंटेन कर पाना और एंथुसियाज्म को बरकरार रखना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट चैलेंज, और हम उनको ना हम उनको कुछ करेक्ट करने की कोशिश भी करें तो बेसिकली नहीं है, और अगर वो साथ के भी और हमको प्यार से बताने की कोशिश करें तो उनको लगेगा हम उनसे जेलसी कर रहे हैं, कुछ नहीं करेगा, तो हाउ टू मूव अहेड। That's why, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था इसलिए हमने उसको 3 हिस्सों में तोड़ा ही इसलिए था कि पर्सनल एक है, विद इन इस्कॉन दूसरा है और
क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तब आप उसको अलग अलग करना पड़ता है, और किसी मामले को खराब करना चाहते हैं सारा भिड़ा दो इकट्ठे। तो इसीलिए हमने तीन लेवल्स पे बात कर रहे थे कि देखिए इस्कॉन के अंदर आपका क्या रवैया है, बाहर के लोगों के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि ये तीन चीजें क्यों है, क्योंकि महाप्रभु के भी जो है ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। तो इस्कॉन जो एक वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल मास ऑफ पीपल जो जीव है, और इंडिविजुअल जिसके पास ये रुचि होनी चाहिए, उत्साह होगा तो फिर आप रुचि तक की बात करेंगे। तो इसीलिए इन तीनों पहलुओं पे जो है आपको देखना पड़ेगा। होता क्या, जो हमने बात कर रहे थे कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप पे काम करूं भाड़ में क्या बाकी दो चीज, मगर वो तभी मैंने बताया कि भाई अगर आप ये करते हैं तो फिर आप एक वैष्णव समाज के फायदे नहीं उठा सकते, आपका मॉरल अधिकार नहीं है कि मैं बोलूं जी बाकी तो सारा कुछ मेरा अपना अपना है, अब जब मैं आऊं तो मेरे को पूरे सोसाइटी का फायदा मिले, ये फिर आप सोसाइटी में क्या डाल रहे हैं ये। अच्छा, फिर दूसरा जो आप बात करें कि आप जनरल इस्कॉन भी जैसे एक सोसाइटी बनाएगी, इसके वजह क्या है, यही सवाल जो है जनरल मास ऑफ पीपल इस्कॉन से पूछ सकती है। आपका जो वजूद है वो क्यों है, आप लायबिलिटी क्यों ना आपको लायबिलिटी मान लिया जाए, देयरफॉर वो है। और फिर आपका अपना पर्सनल जो आपका अपना प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के अंदर इसलिए हमने वो वैल्यूज की बात करी थी, पंक्चुअलिटी है, क्लीननेस है, तो बेसिक वैल्यूज है। देखिए ये जो जब आप कह रहे हैं कि आप अपने साथ वालों में, चाहे अपने ऊपर वालों में चाहे नीचे वालों में, अगर आप कोई गड़बड़ी देखते हैं, वो गड़बड़ी दरअसल एक गंदगी के वजह से है, एक खास तरह की गंदगी है जो गड़बड़ी के रूप में बाहर निकल के आ रही है। जो हम छह तरीके के जो हम जिसको हम रिपु कहते हैं, जो हमारे दुश्मन है, वो गंदगियां ही है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे बतौर गंदगी है ना। तो अभी हमने दिखाया था गंदगी से डील करने का हमारा रवैया क्या होता है आमतौर पर, ये गंदगी पड़ी थी उसको ऊपर डाल दो। तो दरअसल गंदगी साफ करने के जगह हम गंदगी को दबाने में यकीन रखते हैं। तो ये जब मिट्टी पड़ी है तो वो समझ आ रही है, मगर अगर आपको आंखों देखी हुई गंदगी के प्रति आपका ये रवैया है तो जो किसी को दिखाई नहीं देती होगी उसके साथ क्या करते होंगे आप। इस वजह से ये बात हम कर रहे हैं, ठीक है, हम आगे चलना चाहेंगे, वी नीड टू गो अहेड, दिस इज अ वैल्यू क्वेश्चन, जो कि आखिरी जो हमारा सेशन है उसमें पूरा एक्वायरिंग ब्रह्मनिकल क्वालिटीज वी विल कम, पूरा दो घंटे का सेशन है, वी विल डू दैट, ठीक है, प्लीज आगे जाने दीजिए। ओके, माता जी ने हाथ के रखे, मैं उनको जी निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य, ये युक्त वैराग्य का जो हमारा ये सबसे, ये दरअसल बड़ा मुश्किल काम है, मगर ये जो है हमारे आचार्यों ने हमें दिया है ये कि हम यहाँ तक पहुंचे। निर्बंध हमारा कोई संबंध नहीं है उन चीजों से जो भगवान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सारा का सारा संबंध हमने सिर्फ इसलिए अगर मेंटेन कर सकते हैं कि वो भगवान की सेवा में लगाया जाएगा, वरना मेरा कोई जाति संबंध नहीं है उससे। तो ये चीज और ये इसका बैलेंस मेंटेन करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि जब मेरा अगर मेरा किसी जैसे ये है इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, भाड़ में जाए टूटे फूटे मेरी बला से, तो ये रवैया होता है। और यही देखा जाता है जो प्रारंभिक जो अवस्था होती है न्योफाइट स्टेज में, न्योफाइट स्टेज में इसी से इसी कश्मकश में इस्कॉन भी झेलता है, इंडिविजुअली भी झेलते हैं लोग, अगर कोई चीज पड़ी हुई है पड़ी है कोई देखने वाला नहीं है। जब आप देखेंगे जहाँ पे भी आप जैसे मंदिरों में तो बहुत ज्यादा दिख जाता है कि कोई सामान पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसका कोई वाली वारिस कोई नहीं है, कोई नहीं, क्यों नहीं है, क्यों जी मेरा नहीं है, मेरा होगा तो ठीक है। जैसे मैं बहुत बहुत मामूली सा एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी, और शायद ये हमारे प्रचार करने के अंदाज में जो है ये कमियां हैं जो आगे रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे वैकुंठ चंद्र प्रभु यूथ प्रीचिंग करते हैं, या आप लोग भी जैसे कांग्रेशन में मान लीजिए दो तीन महीने हुए हैं आप एक कुछ लोग जुड़े हैं आपके साथ, ठीक है, और आप उनको वृंदावन ले जाते हैं, ठीक है, अक्सर ऐसे होता है वृंदावन लेके जाते हैं एक दो दिन के लिए, उनको जाके हमारे छठ गोस्वामी के मंदिर दिखाते हैं, ठीक है ना, वहाँ वो जाते हैं तो मंदिरों की इस्कॉन एक तरफ इस्कॉन से हो जाते हैं जहाँ मंदिरों की बात ही कुछ और है, और वहाँ से फिर वो छठ गोस्वामियों का मंदिर देखने जाते हैं जहाँ पर
वो टूटा फूटा होता है, गंदा होता है, कई सारी चीजें दिखती है ना, जीर्ण अवस्था उसकी दिखती है, ऐसा दिखता है। तो होता क्या है, जब लोग देखते हैं, जो हमारे जो साथ में नए लोग हैं, आप देखेंगे अगर 10 लोग हैं, 10 में से एक या दो बोली पड़ता है कि प्रभु जी ये ना, ये इस्कॉन को मिल जाए तो ये बिल्कुल सारा कुछ ठीक हो जाएगा, है ना ये तजुर्बा, इस्कॉन को मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका जो नया बंदा भी होता है उसके दिमाग में ये नहीं होता कि यहां पर मैं सेवा कर सकता हूं, नहीं, पहले मुझे मिल जाए, पहले मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, फिर मैं देखूंगा। तो दैट इज द न्यू फाइट्स मेंटेलिटी। नौ सीखे की मानसिकता यही होती है, अगर मेरा है तो मैं देखूंगा, मेरा नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा। तो वो चीज उसको भगवान में भी नहीं दिखाई दे रही होती, ठीक है ना, वो भगवान भी, वो मंदिर भी मेरा हो जाए, समझ आई वो जो मेरा वाला सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है, कि मैं और मेरा जो इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे कृष्णा, मेरे वृंदावन, मेरा मंदिर, मेरा ये, मेरा जोन, मेरी क्लास, मेरे बंदे, मेरा कलेक्शन, मेरा 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 मेरा, नो एंड टू दिस, सबका जो डिनोमिनेटर है मेरा है, वो इस गंदगी की वजह से। तो आप उसको ट्रेन करना निर्बंध कृष्ण संबंध पे। आप सफर समझ रहे हैं, लंबा सफर है। सो ये सफर जो है, इस सफर को छोटा करने के लिए गायत्री दिया जाता है, ताकि जल्दी जल्दी काम करे ये चीज। इट्स नॉट दैट कि कोई मतलब कोई किलोमीटर नापा हुआ है यहां से लेके गोलोक वृंदावन तक का, जिसके स्पीड कम है, कॉन्शियसनेस का जो स्पीड है, लेवल है, उसको ऊपर उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जितनी मदद मिल जाओ उतना कम है। तो बेसिक आइडिया कि हरे कृष्ण महामंत्र है तो गायत्री की क्या जरूरत है, अरे भैया तो ये सब, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन कभी कोई तब नहीं पूछता जब वो प्रसाद खा रहा होता है बदतमीज, कि जी वो हरे कृष्ण महामंत्र तो प्रसाद की क्या जरूरत है, जाओ जो मर्जी गंद कूड़ा खाओ। तब तो सबसे पहले तब प्रसाद रोटी खुलती है हमारे इस्कॉन में, तब कैसा होता है, भक्तों के पैरों के तले जो है प्रभु जी माता जी रुल जाते हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। तब तो ये महान आइडिया तब नहीं सोचता कि हरे कृष्ण महामंत्र करो सब ठीक हो जाएगा। सो वी, एक पेशेंट है टर्मिनल स्टेज पे है, उसको जितनी मदद मिल जाए उतना अच्छा। एक फिसड्डी बच्चा होता है स्कूल में, उसको आप बोले एनसीईआरटी की किताब है काम चल जाएगा, उसको तो गाइड भी चाहिए, उसको तो ट्यूटर भी चाहिए, और मौका लग जाए तो फर्रे भी चला लेगा। तब तो कोई नहीं बोलता ऐसे। हाँ तो वही, तो ये इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पूरा का पूरा जो भक्ति को करने का जो रवैया है उसके पीछे खौफ बैठा हुआ है। वो क्या खौफ है, कभी हरे कृष्णा मंत्र का खतरे में पड़ जाता है, कभी इस्कॉन खतरे में पड़ जाता है, कभी अपनी श्रद्धा खतरे में पड़ जाती है, कभी भक्त खतरे में पड़ जाता है। तो हालात खतरे में ही अगर पूरी जिंदगी निकाली है, सो दैट इज कॉल्ड भक्ति इन तमोगुण। सो दैट्स द आइडिया, देयरफॉर वी नीड द एंथुसियाज्म, नॉट इनसिक्योरिटी। दैट इज द स्पिरिट ऑफ गायत्री, नॉट इनसिक्योरिटी। वी सिक्योर एंथुसियाज्म विद द एंथुसियाज्म हम, और क्या एंथुसियाज्म है कि इसी एंथुसियाज्म से जो है हम पार कर जाएंगे। जैसे सन्यासियों को भी जो है उनको मंत्र दिया जाता है, एथम सत अस्ताय परात्मनिष्ठम, है ना, आम दुरंत पारमो तमो मुकुंग डांगरी निशेवाय ईव, तो वो एंथुसियाज्म का मंत्र है कि चाहे ऐसा है पर हम जो है इस दुरंत उसको जो है सागर को जो है हम पार कर जाएंगे भगवान की इस शक्ति से। दैट इज द एंथुसियाज्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। आगे चलते हैं, बहुत वक्त लग गया इसमें, मैं ये तो नहीं कहूंगा जाया हो गया, मगर वी हैव अ कोर्स, नो या दैट्स देयर एंड वी आल्सो हैव अ कोर्स टू फिनिश। ओके, अब आ रहा है गोपाल मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र का एक छोटा सा कंपैरिजन, एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद, संबंध अभिधि और प्रयोजन माता जी कवर करेंगी। हाँ, ये इसके लिए पेज नंबर, एक सेकंड, सॉरी माला लग गई आगे आगे, ये आप आए कहाँ,
हाँ ये रहा। इसमें ये चीज भी आएगी एक सेकंड, मैं खुद ही पेज नंबर भूल गया। हाँ नहीं वो गोपाल मंत्र है, वो गोपाल मंत्र है 53 पर एक कंपैरिजन था। हाँ ये देखना पड़ेगा ना, उस पर लिख के रखना पड़ेगा। वो गोपाल मंत्र है, गोपाल मंत्र बनाम हरे कृष्ण मंत्र एक जगह पे है। हाँ वो संबंध अभी दे प्रयोजन है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, कुछ छूट ना जाए, बस मेरे को यही हो रहा है। वो तो गोपाल मंत्र ही है बट फिर उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का साथ ना कंपैरिजन। एक सेकंड, टॉपिक छेड़ दिया ना मैंने एक्चुअली। वन थर्टी सेवन में शायद क्या है वो, हाँ वो अलग चीज है, ये तो सेकंड लेवल के लिए, फर्स्ट लेवल के लिए है नहीं है। यानी उसका नेक्स्ट है क्या? हाँ यही है फिर, दिस इज इट, यही है 53 ही है। लेट्स 53 ही है, यही है क्योंकि ये यही है 53 ही है। 53 ठीक है। सो यहाँ पर जी जैसे देखिए यहाँ पर जैसे जो ट्रांसलेशन है इसमें इसके दो मतलब ट्रांसलेशन दिए गए हैं, ठीक है, दो ट्रांसलेशन दिए गए हैं। ये ऊपर वाला ट्रांसलेशन है, शुरू में प्रभुपाद ने ये ट्रांसलेशन दिया था, बाद में ये ट्रांसलेशन दिया गया 53 ठीक है। गोपाल मंत्र हम टच कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। सो ये देखिए जैसे आई ऑफर ओबलेशन स्वाहा अंटू कृष्णा, हम भगवान को जो है आहुति दे रहे हैं कृष्णा को, जो कि गोविंद और गोपियों के हाँ वल्लभ है, तो यानी गोपियों को प्यार करने वाले, वल्लभ का मतलब होता है डियर लवर। अब नीचे वाला जो है वो क्या है, आई मेक ऑफरिंग, आप देख रहे हैं ऑफ ऑबलेशंस, थोड़ा सा हाँ चेंज है, पर लॉर्ड कृष्णा हु इज गोविंद लवर ऑफ गोपीज, बाकी एक जैसे ही। सो ये दोनों ट्रांसलेशंस जो है वो ठीक है। अगर ये इसलिए बात हो रही है कि अगर हो सकता है कि अभी आपको ये लोग घर में अभी भी वो शीट जो है आपके पास सेव्ड हो, तो कहीं हो सकता है कि किसी के पास नीचे वाला ट्रांसलेशन हो, किसी के पास ऊपर वाला ट्रांसलेशन हो, तो इसलिए दोनों ट्रांसलेशन पहले ऐड करके हाँ, तो ये हाँ ये गलत नहीं है आपके पास जो ट्रांसलेशन है, ठीक है। सो ये गोपाल मंत्र ही है अकेला जिसको हम कृष्ण मंत्र कहते हैं, जब भी कृष्ण मंत्र लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो गोपाल मंत्र के लिए, गोपाल मंत्र का दूसरा नाम है, ठीक है। काम गायत्री के लिए कृष्ण मंत्र नहीं हम इस्तेमाल करते, कृष्ण मंत्र मीन्स गोपाल मंत्र, ठीक है ओके। सो अब जैसे देखिए यहां पर इसे लिखा हुआ है, द इंस्ट्रक्शन ऑफ चैतन्य प्रतामृत, द एसेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑल गौड़ीय वैष्णवस, तो ये सारे ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदायों में जो भी हैं क्लेम करते हैं तो वो सब गोपाल मंत्र इज अ कॉमन मंत्र जो सबके पास होता है। अलग अलग संप्रदायों में कई बार मंत्र डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे किसी और संप्रदाय में किसी के पास नित्यानंद प्रभु की गायत्री उनको दी गई है, किसी के पास राधा रानी की गायत्री दी गई है, तो दैट में डिफर फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, मगर ये कॉमन मंत्र होगा, ये कॉमन मंत्र होगा, ठीक है ओके। अब देखिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक को इसलिए हमने यहां पर हाईलाइट किया है। नेक्स्ट जी,
जी मानस दिया गया, मानस दिया गया, ठीक है। बेसिकली आत्मनिवेदन का कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए चीज है, ठीक। ओके सो अब देखिए, जैसे इसे इसके अलग अलग मतलब है, इसको अलग अलग नाम से, जैसे बाहर, जैसे वो था ना वो वाला श्लोक गोपाय वाला, तो पब्लिक में कैसे, डिस्कोर्स में कैसी होती है बात, पब्लिक में आप हो सकता है गोपाल मंत्र भी ना बताएं कि हमारे पास गोपाल मंत्र है। व्हाट यू विल से मोर स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ब्रैकेट में दिया हुआ है अष्टादश अक्षर मंत्र, 18 सिलेबल्स वाला अष्टादश अक्षर, ब्रैकेट में देखिए इल्यूमिनेशंस में पेज नंबर 53 में मिल गया, ठीक है ना। तो ये है, तो बेसिकली इस पे मतलब बहुत सारा कुछ है कहने को, मैं क्योंकि बिगिनर्स कोर्स है मैं इस पे भी छेड़ नहीं रहा, सो अदरवाइज देयर आर सो मेनी थिंग्स इसके अंदर, मतलब आई एम आल्सो टेम्पटेड टू से बट आई हैव टू सी द क्लॉक पंक्चुअलिटी, ठीक है। सो एनीवे ये देखिए ब्रह्म संहिता में क्या है, 5.3 में ब्रह्मा डिस्क्राइब्स गोपाल मंत्र एज हैविंग सिक्स लिम्ब्स, ठीक है। तो ये उसके उसके क्या नाम है रेफरेंसेस हैं, गोपाल मंत्र कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो वो जो 6 लिम्ब्स हैं उसको हमने टेबल के रूप में आपके पास प्रस्तुत कर दिया, आप अपने उसमें पढ़ सकते हैं, कोई सवाल हो तो आप बाद में लेके आ सकते हैं। हर लफ्ज का जो है अर्थ हमने बाद में एक एक पैराग्राफ दिया है, पर मैं समराइज कर देता हूं कि ये देखिए ये मैं सिर्फ इसमें जो है एक चीज पढ़ के जो है आगे बढ़ूंगा। ब्रह्मा की जो रियलाइजेशन थी गोपाल मंत्र करने के बाद, जो कि पेज नंबर 54 थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए डिवाइन लोटस, मिल गया, ठीक है। तो ये वही है जो हम कल बात कर रहे थे, तभी ये मतलब जैसे आपको लगेगा कि कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स आ गए, चीजें आ गई, तो वो इसीलिए है क्योंकि कई लोगों को वो लोग जो है डायग्राम्स तो जैसे जो ये एजुकेटर्स होते हैं उनके हिसाब से 7 प्रकार की इंटेलिजेंसेस होती हैं, स्पेशल इंटेलिजेंसेस होती हैं, फिगरेटिव इंटेलिजेंसेस होती हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, तो कई लोगों को जो है लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, तो कई लोगों को जो है डायग्राम्स की इंटेलिजेंस होती है, तो जिनके लिए ये है तो वो इसको यंत्र कहते हैं, यंत्र के सहारे जो है भगवान को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सो जैसे यहाँ है देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन लोटस ऑफ 1000 पेटल्स, 1000 पेटल्स बनाना मुमकिन नहीं है, ठीक है ये ओके। ऑगमेंटेड बाय मिलियंस ऑफ फिलामेंट्स, उसके अंदर जो है उसके हाँ स्टेम्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इन द ट्रांसेंडेंटल लैंड ऑफ गोलोक, तो ये आप देखिए ये समझेंगे कि ये जो है ये भी एक ये एक मेडिटेशन और एक 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 क्या कहते हैं उसको एक विजुअलाइजेशन है, थैंक यू, ठीक है, एक विजुअलाइजेशन है। ऐसा नहीं कि गोलोक वृंदावन जो है कमल का बना हुआ है, कमल जैसा बना हुआ है। अब आप बोलेंगे कमल जैसा कैसा बना हुआ है, जैसे अगर हम वृंदावन में जाए प्रिया रानी टेम्पल पड़ता है सड़क के ऊपर, प्रिया यू टेम्पल है ना, उसमें बहुत बड़ा कमल बनाया हुआ है, वो कमल सीमेंट का है, ठीक है। ये कमल किसका बना हुआ है, तो ये सचिदानंद का बना हुआ है। अब सचिदानंद क्या चीज होती है, सर हाँ हमने सुना ही है उसके बारे में, सचिदानंद हमने हमें से किसी ने देखा नहीं, जिसने देख लिया उसका काम हो चुका है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर जो चीज नहीं देखी है जिसका जितने पास तक जा सकते हैं, तो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं, ये डिस्क्रिप्शंस बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप सड़क से जा रहे होते हैं और रोड इंडिकेटर्स होते हैं,
जी इस तरफ चले जाइए मालचा मार्ग है, इस तरफ चले जाइए है ना सत्य मार्ग है, इस तरफ चले जाइए जनपथ है, ऐसे तो जाना तो इससे ज्यादा नहीं होता। तो शास्त्र जो है ये काम करते हैं, इट इज अदरवाइज फुल्ली डिस्क्राइबेबल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक जैसा नहीं रहता, ठीक है ना। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, सो ये एवर चेंजिंग। सो ठीक है, जो है उसके हिसाब से ये कि ऐसा ऐसा समझिए। एंड देन ऑन इट्स वर्ल्ड, जो बीच में है, ठीक है, कर्णिकार कहते हैं जिसको आप, बीच में, तो वहां पर क्या है, एक बड़ा थ्रोन है। ये है मेडिटेशन, ये जो कल कौन पूछ रहा था ध्यान मंत्र में मेडिटेशन, दीज आर द काइंड्स ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। अब ये आप मेडिटेट कर रहे हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे, आपको कोई ये आप गोलोक वृंदावन बना तो रहे नहीं, ठीक है, इसमें मेडिटेट कर रहे हैं। तो यानी जब आप मेडिटेट कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड पैसिव मेडिटेशन, दिस काइंड ऑफ मेडिटेशन इज कॉल्ड पैसिव मेडिटेशन, दिस अनदर मेडिटेशन विच इज एन एक्टिव मेडिटेशन, सक्रिय सक्रिय ध्यान, ठीक है, ये है निष्क्रिय ध्यान, ठीक है। सो इस निष्क्रिय ध्यान में जो है, अगर आप ये देखें कि वहां पर एक या सिंहासन है, तो सिंहासन के ऊपर जो है भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट एफ्लुएंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, ठीक है, किरण है। जैसे हम भगवान को जब हम भगवान की ज्यादातर, ये देखिए यहां पर भी है थोड़ा सा करा हुआ है इन्होंने, है ना, जैसे ये भगवान की शक्ल है तो इसके पीछे जो है थोड़ी सी लाइट है, इसको हम ऑरा कहते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली है क्या ये, जब मैं देखना, इस कॉन में भी होती है ये तस्वीरें कम होती हैं, अब खैर इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गई है हर चीज की, बट पहले आप देखेंगे शुरुआती दिनों में सिर्फ जो जनरली बाहर जो तस्वीरें बनती हैं भगवान की, किसी की भी बनती हैं, तो आप देखेंगे उसके पीछे जो है इवन जैसे सीताराम लक्ष्मण हनुमान को जो है एक क्राउन पहनाया जाता है, उसके पीछे एक ऐसा सर्कल होता है, तो सूरज, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली सूरज होता है। सो आइडिया क्या है, आइडिया है कि वो जो हाँ वो सूरज दबी ब्रह्म गायत्री का सूरज, दैट तेज, गेटिंग माय पॉइंट। ब्रह्म गायत्री इनिशियली जब हमने पढ़ा था तब यही बात करते कि ये सूर्य के लिए इस्तेमाल होता है, दैट सूरज इज द हेलो द ऑरा जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है, द तेज जो है वो भगवान श्री कृष्ण का। और कई बार जो है वो चीज चंद्रमा की तरह भी होती है, शीतलता भी दे सकती है। सो इट डिपेंड्स कि आप ये सेम चीज कंसेप्शन, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे जैसे कई बार जैसे घरों में डीटीज इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो लोग पूछते हैं कि प्रभु जी कौन सी तरफ रखें, तो क्या कहते हैं, ईस्ट फेसिंग, है ना, यानी भगवान का जो क्या कहते हैं फेस है वो वेस्ट की तरफ नहीं, वो वेस्ट की तरफ होगा, हमारा ईस्ट फेस होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो जब अगर भगवान का फेस वेस्ट की तरफ होगा तो सूरज किस तरफ होगा, पीछे। Therefore you see that thing. हर चीज का एक है ना, और वही सेम चीज चंद्रमा के लिए भी है, चंद्रमा भी ईस्ट से ही उगता है, सो इट्स गेटिंग, ठीक है। सो एनीवे, तो ये विजुअलाइज, ये बातें मैं विजुअलाइजेशन के लिए है, ताकि अदरवाइज आप क्या विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। ये जैसे इस केस में ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है, तो जनरली हम वही रियलाइजेशन इस्तेमाल करते विजुलाइज के लिए जो हमारे आचार्यों ने जिसको सिद्ध कर लिए। देर में भी मोर विजुअलाइजेशन हो सकते हैं कि जो करंट आचार्य की जनरेशन है उसमें से कोई इसको सिद्ध कर ले, एक और विजुअलाइजेशन हो सकती है। इसीलिए ये कहते हैं कि इसीलिए ये अनलिमिटेड है शास्त्र, वेद जो है अनलिमिटेड क्यों है। वेद का मतलब ये नहीं कि वो किताबें खत्म हो गई 5000 साल पहले, प्रभुपाद के पर्पज से वो क्या है फिर, इसका मतलब उसको आप किस खाते में डालेंगे।
ठीक है ना। सो इट विल ऑलवेज कंटिन्यू। जब ये बंद हो जाता है तब वो शास्त्र मर जाते हैं, ठीक है ना। शास्त्र तब मरते हैं जब उसका इंटरप्रिटेशन, और वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन बंद हो जाता है। कोई रियलाइज बंदा नहीं है, ये तो कोई भी बकवास लिखने को थे, वो तो पूरी दुनिया बैठी हुई है, जिसके जो जी में जी आता है भागवत गीता के नाम पर, राम राम क्या रामायण के नाम पर जो जी में लिख रहा होता है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें उसमें फर्क ये है कि वो जो है वो लिख रहा है वो शेख चिल्ली के ख्वाब है, ये जो है ये इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी। हाँ, तो आपको ये सब हर जो इस्कॉन के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ जो है, हमारा जो एडवांटेज कह लीजिए चाहे इसको, वो हमारी प्रैक्टिस है। जो बाहर वो एकेडमिशियन है उसने प्रैक्टिस नहीं करी, उसने लिखा बहुत कुछ है, पढ़ा बहुत कुछ है। जरा मैदान में उतर के जरा हमारे साथ भी आ जाओ, थोड़ा दो दो हाथ करो जब पता चले, तो बस वही चीज। तो हम उसका, हम उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जिसने इसको आत्मसात किया। इसीलिए हम ये वाला मेडिटेशन पे विजुलाइज करेंगे, क्योंकि ये कम से कम एक तक पता तो है कि हमारा एक संप्रदाय आचार्य ब्रह्मा जिसने इसको आत्मसात किया हुआ है, इसका क्या है जो ये लिखा हुआ है, ये खुद भी मरेगा मुझे ही मरवाएगा, ठीक है ना। सो देखिए इसके आगे क्या है। अब जो है भगवान का है, प्लेइंग ऑन हिज डिवाइन फ्लूट रेजोनेंट विद द डिवाइन साउंड विथ हिज माउथ। वो अब जो है देखने के साथ साथ शब्द भी आ गया, साउंड। साउंड को आप क्या कहते हैं? ध्वनि, शब्द है, ध्वनि या दिव्य ध्वनि, ये शब्द है एक्चुअली, ठीक है। ओके, ही इज वर्शिप बाई हिज एमरस मिल्कमेड्स। अब जो है गोपियां साथ में दिख रही हैं, ठीक है। विद कृष्णा अकेले नहीं है, ठीक है ना, इस मेडिटेशन में, ठीक है ना। और आप देखेंगे जो नौसिखिए होते हैं वो कृष्ण को अकेले लेके, वो कृष्ण मेरी प्रॉपर्टी है, वो निकल कीड़ा निकलता ही नहीं दिमाग से, बल्कि वो कीड़ा और घर कर जाता है, ठीक है। सो अब क्या है, With respected with subjective portions and extensions, यानी portions extensions यानी उनकी कलाएं, भगवान के expansions और उनके incarnations, ऐसे expansion एक चीज, incarnation और चीज। जैसे बलदेव निकलना, बलदेव से संकर्षण, अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव, ये है expansion। और incarnation का मतलब जिसको हम कहते हैं लीला अवतार, वरा वामन कूर्मा, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो ये हु स्टेज आउटसाइड एम्बॉडिंग द मंडेन क्वालिटीज, तो ये बात, यानी कि आप, यानी कि वो जो सर्कल्स बना रहे हैं, इनर सर्कल में गोपियां ये है, आउटर सर्कल में एक्सपेंशन है। तो ऐसा इतना मेडिटेशन करने के लिए, अब मान लो कि मैंने ये गोपाल मंत्र का मेडिटेशन है, आपको इस मेडिटेशन करने में 7 से 10 मिनट लग जाएंगे। यहाँ क्या होता है, 2.5 मिनट में गायत्री खत्म हो जाती है सबकी, ठीक है ना। तो वो वैसे ये जैसे हमारा हरे कृष्ण महामंत्र खत्म हो गया। तो जब आपका गायत्री का मेडिटेशन जो है, यू अंडरस्टैंड कि यार ऐसी कोई चीज होती है, तो फिर कभी आप ये बात करेंगे कि हाँ ये हरे कृष्ण महामंत्र मेरा सबका सवाल क्या होता है, हरे कृष्ण महामंत्र 6 मिनट में खत्म होता है, 7 मिनट में खत्म होता है, 8 मिनट में खत्म होता है, वहां मिनट देख रहे हैं वहां पे, वो वहां मिनट नहीं देखना होता, वहां ये देखना होता है, ठीक है ना। सो इसीलिए शुरुआत में जो है ये चीजें नहीं दी जाती, बोलते हैं भैया कान दिए भगवान ने, सुनो, जबान दिए बोलो, बस। तो ये पहले इस पे फोकस करने का, जब आपके पास गायत्री आएगी ग्रेजुअली आप मंत्रों का अर्थ, आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी जो है अर्थ को उस तरीके इसके साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये चीज कहाँ है, यहाँ पर ये चीज, सो देन ग्रेजुअली आपका हरे कृष्ण महामंत्र जो है, तब फिर वो सवाल नहीं। तो क्या जो शिकायत होती है, 2 साल पुराना भक्त 5 साल पुराने भक्त के पास जाके एक ही सवाल पूछता है, प्रभु जी मेरा जप अच्छा कैसे होगा, मन नहीं लगता, वो उसको कुछ बताता है। अब वो खुद जाता है किसी 10 साल वाले के पास एग्जैक्टली वही सवाल लेके कि प्रभु जी मेरा जप कैसे अच्छा होगा, और कमाल की बात यह है कि जो उसे जवाब मिलता है मोरल वैसे ही जवाब होता है जो उसको दिया, उसने नीचे दिया होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा वही,
वो 15 साल वाले पास, वो 20 साल वाले के पास, तो क्या क्या ये जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे थोड़ा सा क्या कहते हैं रुक के ये सोचा जाए कि क्या हम कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर, कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? ये किस तरह मुमकिन है कि ये 2 साल वाला आदमी और 20 साल वाला आदमी सवाल सेम है? ये क्योंकि आप उसका जो एक एक हिस्सा है, तीन टांगे हैं उसकी, उसमें से आपने उसकी एक टांग तोड़ी हुई है, कर्मणा है, वाचा है, मनसा नहीं है। सो देयरफॉर मनसा मीन्स इस तरीके से जो है एक एक चीज को फोकस करके उस पर टिकना। अब जो सवाल अक्सर कई भक्त पूछते भी हैं कि प्रभु जी जब हम मन भगवान का नाम ले रहे हैं तो कई बार जो भगवान का के बारे में कुछ सोचने को आता है, कोई लीला आती है, कुछ आती है, क्या करें? ये कोई लीला स्मरण नहीं है क्योंकि इसमें कोई साधना नहीं है। साधना का मतलब है जिस पर टिके हो उस पर टिके हो। क्या रोज माला करते हुए आपका मंत्र बदल जाता है? क्या घर के ड्यूटी बदल जाते हैं? तो मन में अंदर आने वाली जो लीला है वो कैसे बदल जाती है रोज? क्योंकि वो कोई भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, मन को खुली छुट्टी मिली हुई है। वो जिस स्पीड से आपको कोई भगवान की लीला दिखाएगा उसी स्पीड से जो आपकी अपनी लीलाएं भी दिखा देगा, उसी मिनट के अंदर, विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट हो जाता है काम। इसका मतलब क्या है कि मेरा मन जो है किसी एक जगह पे, इवन मेरे अपने सोकर लीलाओं पर भी जो है 1 मिनट खड़े होने को राजी नहीं। इट इज सो डिस्टर्ब्ड। सो देयरफॉर उसको टिकाने के लिए देन यू नीड गायत्री। तभी एक बार की बात है, माय स्पिरिचुअल मास्टर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये मेरे को दीनानाथ प्रभु ने बताया था, बड़े मंदिर में आप जानते हो। सो उन्होंने एक बार जो है गोपाल कृष्ण महाराज जो है गायत्री कर रहे थे बैठ के, तो उनसे जाके पूछा कि महाराज ये हमारी गायत्री होती है तो 2-3 मिनट में खत्म हो जाती है, आपकी क्या गायत्री खत्म ही नहीं हो रही होती, बड़ी लंबी गायत्री है। तो उनको लग रहा था कि क्या झपकी आ जाती है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। तो महाराज हंस पड़े, माने क्या तुम नहीं समझोगे। उन्होंने बोला, पूछा कि महाराज ये उतने ही मंत्र करते हैं आप जो हमें दिए हैं, आपके पास और भी मंत्र हैं? तो आइडिया इज बिकॉज इफ समबडी इज मेडिटेटिंग देन ही विल टेक मोर टाइम। ठीक है, सो दोज आर द काइंड ऑफ ग्रेजुअली जो है जिसपे आप मेडिटेट। मेडिटेशन का जो फर्स्ट चीज है जो ये आपको जो ये इल्यूमिनेशन जो इसका मंत्र का जो मतलब दिया गया, ये सबसे पहले घुसना चाहिए। व्हाट इज कृष्णा, व्हाट इज गोविंदा, व्हाट इज गोपीजन वल्लभ, इधर जैसे गौराय क्या है, विश्वम्भराय क्या है, ठीक है ना, या चैतन्याय क्या है। सो ऐसे धीरे धीरे पहले ये डिफरेंसेस, ये चीजें, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देन नेक्स्ट स्टेज धीरे धीरे, देन आप देखोगे उसी तरीके का जो आप गायत्री का जो इफेक्ट है वो आपके जप में आएगा। देन आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या जप कर रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ना आप इसको लेके परेशान होंगे, दोनों देख लिया, ना इसको लेके परेशान होंगे कितना टाइम निकल रहा है। ठीक प्रभु जी, अंजन प्रभु, होगा जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र में होता था, पहले जब शुरू करते थे 14-15 मिनट में माला होती थी, फिर धीरे धीरे कम हो गई, और फिर अगर अगर आपका माइंड जो है बहुत डिस्टर्ब्ड है, आप देखोगे फिर 14-15 मिनट में माला होती है। ठीक है, हाँ प्रभु जी आपके साथ फिर मैं फिनिश करूंगा। हाँ जी, नहीं तो ये प्रैक्टिस आपके, देखिए बात सुनिए, आप बच्चे नहीं है ना, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, होना नहीं चाहिए क्योंकि ये एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है। आप
बात सुनो ना, जब आपने मंत्र लिया है, वही बताने वही वही उसी को एड्रेस कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आपकी है, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आप मंत्र किसने लिया? आपने लिया, ठीक है ना। ये पंगा किसने लिया था? तो फिर अब आप उसके लिए जिम्मेदार हो। तो ये बात, और ये ही वो जिम्मेदार, ये जो है ना, ये क्या कहते हो, धोती पकड़ के चलना, ये छोड़ें इसको, ये बीमारियां हैं। हाँ, ये बैसाखी, ये आपको गायत्री लिबरेशन का क्या मतलब है? आजाद करने के लिए बना है ना। तो फिर आप क्यों गुलामी की जंजीर में बंधना चाह रहे हैं? तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। ये मंत्र आपको दिए इसलिए गए हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो। जैसे प्रभुपाद जिसका एग्जांपल देते हैं फर्स्ट कैंटो भागवतम में, फ्लाई योर ओन एरोप्लेन, अपना हवाई जहाज खुद उड़ाना है। और हवाई जहाज उड़ाने की सारी तरबियत जो है जमीन पे होती है, वो आसमान में नहीं होती। तो उड़ गया तो उड़ गया, वहां पे थोड़ी ना ट्रेनिंग हो सकती है। जब एक बार उड़ गया तो फिर उड़ गया, फिर आप अपने आप है। तो यानी कि जब तक आप जमीन पे हैं तब तक आपकी ट्रेनिंग है। जब आप प्रैक्टिस करके जब आप उड़ रहे हैं धीरे धीरे, देन आप उड़ रहे हैं और आसमान की बुलंदियां छूना, यही फिर जो है इसका मकसद है। और इसमें आप कामयाब देन आप पूछिए डिवोटिस से, अगर ऐसा है तो यू कैन आस्क अदर डिवोटिस, अपने साथ वालों से पूछ सकते हैं, किससे पूछ सकते हैं, मैं मिल जाता हूँ मुझसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं कोई हर चीज की चाबी थोड़ी हूँ, मैं तो बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा हुआ है बस। तो ऐसा यही प्रैक्टिस है। हाँ, सीनियर डिवोटिस, एडवांस डिवोटिस भी, ऐसा नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं, दे विल हेल्प यू। चले तो अगर रास्ता ठीक है हमारा, ठीक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ऑलराइट, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, मंत्रा सरेंडर, सेल्फ सरेंडर के लिए, यानी गायत्री मंत्र है ना। यहाँ पे भगवान को फॉर्मली कृष्णा है, गोविंद है, जो अभी माता जी भी बात कर रहे थे। और नाम जो है वो घनिष्ठ संबंध के लिए, इसीलिए उसके अंदर इनफॉर्मेलिटी जो है ज्यादा देखने को मिलती है। हरे कृष्ण महामंत्र और गायत्री में जो बेसिक फर्क है, मतलब जैसे आप मान लीजिए ये 8-10 दिन की क्लास है, इसमें अगर आप ये दो चार चीजें, ये भी अगर आपको पता है कि गायत्री का मतलब है फॉर्मल सरेंडर और हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए जाना, ये दो चीज आपको ठीक ठाक है, तो मैं समझूंगा कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो गया। ये बेसिक चीज, ठीक है। हाँ बस, हाँ ये जो है ये मोर रेगुलेटिव की तरफ है, वो मोर स्पॉन्टेनियस की तरफ है, ठीक है। और क्यों है तो फिर आप बता सकते हैं कि भाई कृष्णाए और कृष्णा में क्या फर्क है, ठीक है। ओके, ये है एक चीज। What may be some of the inappropriate usages of गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र का कोई दुरुपयोग कर सकता है तो क्या कर सकता है? गायत्री मंत्र को क्या 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 दुरुपयोग हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, किसी को अभिशाप दे देना उठा के, मैं ब्राह्मण हूं तो गायत्री का मंत्र सोच के जो है किसी को अभिशाप, बेड़ा गर्क हो जाए तेरा, तू है ना, तू ट्रक के थल्ले आ जाए, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी है ना। सो इस तरह, या नॉन इट बिकॉज इट माइट वर्क एंड देन इट विल स्टार्ट अ चेन रिएक्शन। जी, हाँ हाँ, वो उसी को मैं चारों की थोड़ा एक्सपेंड करें, क्या क्या हो सकते हैं। जी, हाँ हो सकता है, काम करता है, ऐसा नहीं करता, करता है काम, ठीक है। ओके, और शॉर्टकट ऑफरिंग करने के लिए, ठीक है, ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कर्म कांड, मैं ये इसका इंतजार करता, या ये कर्म कांड की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है, आप उस हिसाब से इस्तेमाल करें इसको, ठीक है। और क्या, और कोई दिमाग में आ रहा हो? फेम प्राप्त करने के लिए, हाँ, या
गायत्री मंत्र ऐसा ही है, आप उससे जो मांगोगे वही देगा। ये याद रखिएगा कि ये सारी चीजें जो आपको दुनिया में मिलती हैं, ये सारी चीजें आपको गायत्री मंत्र दे सकता है, मगर एक शर्त है, फिर ये कृष्ण प्रेम नहीं देगा, दो में से एक चीज देगा। अब अगर आप कहते हो कि भाड़ में क्या कृष्ण प्रेम किसने देखा है, जो मिल रहा है वो ले लो, ठीक है ना। तो ये केशव महाराज को मजाक करते थे पहले, कहते कि देखो एक जो है पूरा संसार का जो आनंद है वो क्या है, वो एक बूंद के बराबर है कि नहीं, है ना, ले लो यार, क्या दिक्कत है। सो अगर आप वो बूंद जो है अगर आप गायत्री से लेंगे तो फिर भगवान के प्रेम का अथाह सागर रह जाएगा, ठीक है। दिस इज एब्सोल्यूट, ये गायत्री करने वालों को ये मालूम होना चाहिए। और ये केयरफुल इसलिए क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको ये बात नहीं मालूम और आप अनजाने में वो काम कर रहे हैं और वो चीज प्रकट होने लग जाएगी उस तरीके से, तो तब आपको समझना पड़ेगा कि अपने आप अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि ये गायत्री का जो असर है, जो गायत्री अगर एक 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 धारा है जो भगवान की तरफ जानी चाहिए, वो शायद अब इधर उधर यहाँ पर जो है कुछ छेद है फिशर्स में से इधर उधर निकल रहा है, तो उसको जो है कस के पकड़ना था कि वो सिर्फ भगवान की तरफ जाए, ठीक है जी। टाइमिंग वाला इशू अभी हम आएंगे, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे कि संध्याओं का टाइमिंग होता है और अगर कोई टाइम समझ नहीं आ रहा जो प्रभुपाद ने दिया है, 6:12:06 बात खत्म, बस इतने अगर आप झमेले में नहीं पढ़ सकते। आजकल तो जैसे गैजेट्स आ गए हैं फोन में, जैसे क्या नाम है उसका, वैष्णव कैलेंडर वगैरह में तो रोज का टाइमिंग आ जाता है, उसका टाइमिंग तक आ जाता है, तो वो अब वो है कि बहुत ज्यादा जो है अगर आप उसके पीछे लगे हो, नहीं तो ये कर लो 6:12, अभी तो 6:12:06 कर लो बहुत है। मैं सही बता रहा हूँ, हमारा जो तजुर्बा है, हम आपस में भी बात करते हैं, होती ही नहीं कबर माला गायत्री, 3 बार की गायत्री इकट्ठे कर ली इसने, कई डिवोटीज मैं कई डिवोटीज को जानता हूँ जो सुबह सुबह ही 3 गायत्री कर लेते हैं, पता नहीं सारे दिन मौका मिले ना मिले, तो कर लेते हैं ऐसे। हाँ वो बात सच है, पर मैं बता रहा हूँ होता क्या है प्रैक्टिकली आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जब की जैसी हालत होती है, गायत्री की भी ऐसी हालत होती है, और गायत्री की और बुरी गत होती है, क्योंकि जैसे कई मंदिरों में जो है लोग ये सिस्टम बना के रखते हैं कि जी वो साधना चार्ट सबमिट करो, उसके अंदर जो है वो साधना चार्ट में तो वो बंदा ये पूछता है कि माला कब करी है, तो पूछता थोड़ी कि गायत्री कब करी है, तो बस जो चीज़ पूछी जाती है लोगों के दिमाग में बैठ जाता है ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए शायद पूछी जा रही है, जो नहीं पूछी जाती है तो ठीक है जी। ऑनवर्ड मत विद 2-5 मिनट्स इधर उधर, हाँ 12 बजे, हाँ हाँ अब कब ये भी नहीं है बिल्कुल 6 का मतलब एकदम, वो इसी वजह से अब वो पहरों का ही सिस्टम है ये पहरों का ही सिस्टम, बात पहर कैसे शुरू हो रहा है, तो वो पहर जो है वो फिर आपको उसमें कैलेंडर्स में देखना पड़ेगा कि किस वक्त पहर लग रहा है, 8 पहर जब लगते हैं 3-3 घंटे के हिसाब से, तो पहला पहर ये जैसे एकादशी के टाइमिंग ऊपर नीचे होती है, क्यों होता है, पहरों की वजह से ही होता है, तो ऐसे ही आप परेशान रहोगे, इसलिए अभी अभी क्या 15 दिन में एक दिन टाइम पूछते फिरते हो कि कब टूटेगा कब टूटेगा, अब रोज 3 टाइम पूछते फिरोगे, तो इसीलिए भगवान ने प्रभुपाद ने बोला 6:12:06 करो और छुट्टी, ठीक है। ओके देते हो तो इंडिविजुअली को देते हो तो ठीक है, ये मैं तो प्रभुपाद का स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड दिया वो 6:12:06 है, अब आई नो सम या गुरुज के लिटिल डिफरेंट चीजें हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, वही वाली बात है, फिर अब आप उस तरफ निकल जाओगे, वो जो उन्होंने कर्मकांड बोला आप सिद्धि तक लिया, ठीक है हम आगे चलते हैं। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक है, तो देखिए जो कुंती महारानी क्या कह रही है इसमें, सत्यम दिश्यति अर्थितम अर्थितो निनाम,
प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज अशेम टू आस्क एनीथिंग इन सेल्फ इंटरेस्ट फ्रॉम द लॉर्ड। ये जो है हमारे गायत्री की स्पिरिट है, गायत्री का रवैया है, वो स्पिरिट थी, ये रवैया है, ठीक है, एटीट्यूड, ठीक है, भगवान से ना मांग, ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि भगवान से जो है जो भक्त है वो भगवान से जो कुछ भी मांगने से जो है शर्माता है, झिझकता है, ठीक है ना, जो अपने लिए है ऐसी चीज, तो यानी कि जो जो मिल गया अपने भगवान की तरफ से वो मिल गया, ठीक है, हाँ जो मिल गया ठीक है, अब उस पे जो है पीछे लगना, सो यस व्हाट्स योर्स। माइक्रोफोन माता जी को माइक्रोफोन दीजिए। ओह अच्छा, तो अभी हम लोग क्लास करते हैं, ये दो हमारे पास टॉपिक्स हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन का पेज 54 और 76। तो ए बी करके करें, आप बोलिए ए बी नंबर सब डिवाइड हो जाएंगे, ए के जितने हैं वो फर्स्ट टॉपिक लेंगे और बी के जितने हैं वो सेकंड टॉपिक लेंगे, तो ये एक रीडिंग असाइनमेंट है, तो आप करेंगे और तो उसे डिस्कस करेंगे आपस में। तो स्टार्ट करेंगे हमसे क्या, ए बी ए ए ए बी दिया तो स्लाइड में बोलेंगे क्या आपके मन में लॉक इशू, ए बी ए ए ए ए ए ए ए आपका प्रभु जी सेंटर में ए सबको याद है ना, किसने ए बोला, तो ए वालों के लिए टॉपिक है उनका पेज नंबर बता दो। ये पेज नंबर 74 और पेज नंबर 56 दोनों दोनों है, एक 56 वाला करेंगे, एक 74 संबंध अभिधेय प्रयोजन गोपाल मंत्र वाला जो है वो 56 वाला है, 56 पेज नंबर पे गोपाल मंत्र का है, वो ए वाला है, वो जिन्होंने ए बोला है, और जो 74 76 पेज नंबर है वो 74 है, ये गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र में जो संबंध अभिधेय प्रयोजन वाला है वो 3 बी वाले का है, चेंज हो जाएगा फिर ना, सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, कट्टे ही बैठोगे ना, कैसे करोगे, फिफ्टी सिक्स वाले एक जगह आ जाए, 74 वाले एक जगह आ जाए,
गोपाल मंत्री लिख रहा हूँ हाँ, पहले वाले क्वेश्चन के लिए उसी वजह से 56 बी वालों को 74 माँ जी ऐसा करो, ऐसा बोल दो कि ए वाला 56 है, ये बी वाला 14 चेंज हो जाएगी फिर अपने अपने लो 15 मिनट 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स बहुत है, 10 मिनट्स दे तो बहुत है, एक आधा आधा पेज तो है। ये पहले सो रहे थे ना, तभी ऐसा हो रहा, माता जी फटाफट हो गए। अरे दो दो कर लो ना, क्यों क्या पूरा जमघट बना लिया। अच्छा वो इंग्लिश का चक्कर है एक्चुअली। बस बैठ जाओ आराम से, आपने पढ़ लिया था ना? नहीं पढ़ तो लिया, ये बहुत बढ़िया कर लिया, यही सिखाते टीडीसी में हम, यही सिखाते टीडीसी में, और आप लाइव कर रहे हो ये चीज। टीडीसी में कितने स्टूडेंट है, वो 15-16 स्टूडेंट होते हैं, उसी में आपस में कर रहे होते हैं, ये आपने लाइव इतना बड़े क्लास किया, जबरदस्त। कर तो रहे हो आप, कर तो रहे हो, मुझे पता था कर लोगे, तो कर लोगे, पढ़ा था आपने, हैंडल कर लोगे ना फिर उसके बाद। तब बैठा हूँ मतलब कुछ मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं मुझे देखना पड़ेगा वहाँ जाके कि क्या कह रहे हैं, कोई सवाल पूछेंगे तो, सवाल कोई पूछेंगे तो मैं The meaning is that rasa is only transcendental service of the central refuge, Krishna, as predominating, ठीक है, by one's ego as a spiritual mate or the predominated, ठीक है, mighty rather, ये actually ये language ये वो है, भक्ति सांस्कृतिक ठाकुर है, इसलिए भक्ति सांस्कृतिक ठाकुर of the absolute integer, या Krishna. Attended with pure devotion in the shape of one's self-surrender. In other words समझ लो आसान है, तभी मैंने ब्रैकेट में other words दिया, ये मैंने दिया। By seeing oneself as a gopi, amid excitement of Shrimati Radhe, in the presence of Shri Krishna. ये मतलब यही है, अभी ब्रैकेट में दिया है, मैं खुद ही जब पढ़ रहा था मैं अटक गया, मैं कहा हाँ ये डिक्शनरी खुलेगी इसके लिए। और ये द पास्ट टाइम ऑफ गोलोक एंड गोकुल ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डिवोशनल प्रोग्रेस इज मेडिटेटिव थ्रू द मंत्र। यस, ये जो एस्पेक्ट है ये जैसे है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे किसी मिशन स्टेटमेंट होता है, तो मिशन स्टेटमेंट हमारा क्या है, जैसे ये है कि अपने आप को गोपी भाव में लेके राधा रानी की हाँ सेवा करना, तो ये बाई कृष्णा, तो इस तरीके तब राधा हम कृष्णा के पास जा रहे हैं राधा रानी के थ्रू गोपी भाव से, ये है, अभी हम गए नहीं है, ये हमारा टारगेट है, अब इसको जाने के लिए अभिधेय, क्योंकि अभिधेय का मतलब ये कि करना क्या है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या हो रहा है, द पास्ट टाइम इन गोलोक और गोकुल ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डिवोशन, ये एक्चुअली गोकुल के लिए है, बेसिकली गोकुल यानी भाव वृंदावन, ठीक है। प्रोग्रेस इज द मेडिटेटिव वर्शिप फॉर द मंत्र, वही जो मेडिटेटिव वर्शिप जो अभी हम थोड़े पहले सिखा रहे थे कि वो उसमें जो है राधा कृष्ण ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनके साथ उनकी गोपियाँ बैठी हैं, उनकी सारी शक्तियाँ जो उनको जो है घेर के खड़ी है, तो ये है मेडिटेटिव प्रोसेस, वो अभिधेय का पार्ट है। प्रयोजन के ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ परफेक्शन, जब आप परफेक्शन पे पहुंच जाओगे तो मैनिफेस्ट देमसेल्फ, यही वाली चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी,
एज द अनरिस्ट्रेन ट्रांसेंडेंटल जुबिलेशन। हाँ हाँ ये हो जाएगा, जैसे यार ये देखो इससे वेरी सिंपल था, जैसे ये हमारा एम था वेरी सब्जेक्ट, ये एम है, ऑब्जेक्टिव में क्या हो रहा है, हम यही चीज़ें कर रहे हैं, देखो डिफाइन करके दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, डिस्कस करके दिखा रहे हैं, ए सेम चीज़, तो बस यही है कि ये हमारा एम था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा प्रोसेस है, उसका तो संबंध भी प्रयोजन है ही। घंटी है ही नहीं, लाई नहीं है, नहीं है ना, कहाँ है, नहीं पढ़ा है, नहीं ना, अच्छा है, ठीक से मिल गया, मिल ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रयोजन होगा। मतलब बन कुछ नहीं गए हो आप, यहीं से तो सहज आजम शुरू होता है, यहीं से। हाँ जब वो था, जब आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने आपको बोला है कि आप ऐसे मेडिटेशन करोगे, ये मेडिटेशन करने से पहले यू या समबडी विल टेल यू या अदरवाइज यू विल स्टार्ट या द परमिशन, ऑब्वियसली मैं कोई सेवा कर रहा हूँ, मुझे अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं चाहिए क्या, सो देन यू डू दैट। जो ब्रह्मा जी की मेडिटेशन है वो हम करते हैं, हां दैट इज अ जेनेरिक मोर जेनेरिक मेडिटेशन, क्योंकि वो पूजा में करते हैं, पूजा में करते हैं, हां जब पूजा में करते तब आप करते ना, तत्व ध्यान वाला जो हम करते हैं, हम वृंदावन ध्यान, सो दैट इज अ मोर जेनेरिक मेडिटेशन। सब लोग ऐसे करते, कौन करता, मैं भी ऐसे करता हूँ, तो बात होती है तब कभी कभी माता ठनकता है कि आरती करते हुए भी जो संबंध विद्या प्रयोजन याद कर लेता हूँ, तो चलो कम से कम इतना मेरा पर्सन जो है, मेरा पर्सन भी इससे आगे नहीं गया, हो जाती सबकी हो जाती खत्म, और क्या खत्म, एक्चुअली उससे ज्यादा आप आंख बंद करके बैठ भी सकते, दो तीन में झपकी आ जाती है, कितनी बार झपकी आती, कितनी बार होता है कि माला करते छूट क्या करवा, ये होता है कि क्या कर रखा है, हाँ कौन सा वाला चल रहा है, वो सबके साथ है तो है ही ना वो चीज। सेकंड डे पे था कि ढाई बार लपेट रहा था पापा ने, वो कुछ नहीं है, ये धागा ढाई बार क्यों कैसे लपेट जाएगा, क्यों लपेट जाएगा, तो बहुत सारा लपेट दो ऐसे 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 ना, नहीं कितना जरूरत है, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मिलना ही मुश्किल है कि जहाँ प्रभुपाद ने जो है अंदर छुपा के रखा हुआ है, हमेशा बाहर निकाल के करते थे महाराज जी, ये तो बोला गया क्या अलग से नहीं, तो शक्ति चले जाती, वही कह रहा हूँ प्रभुपाद ने मालूम है मुझे, वो सब बहुत कुछ बोला जाता है, मैं कह रहा हूँ ना प्रभुपाद की तस्वीरें हैं, मिलना ही मुश्किल है जहाँ पे अंदर एक ही तस्वीर मिली है, और बार बार मैं वही तस्वीर इस्तेमाल करता हूँ, हाथ अंदर है सारी।